अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, आई एम बैक विद मियां मोहम्मद बख्श साहब की जो वो पोइम थी और जो वो पहले तीन अशार हैं, अभी तक उन्हीं में फंसी हुई हूँ. एंड आई एम वेरी एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव स्टार्टेड दीज वीडियोस, क्योंकि ये इतना खूबसूरत वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स है जो कि मैं डिस्कवर कर रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू. And I hope the same kind of blessing and joy and pleasure you receive it as well. जो इतना खूबसूरत knowledge है उसकी जो opening up of जो ये जो है ना heart and opening up of the meanings of the poetry of the great Sufi masters, it itself is a great blessings and a great blessing and a joy in itself. तो उस ब्लेसिंग और उस जॉय को शेयर करने की जो एक खुशी है, आई होप यू कैन फील दैट एज वेल. तो मैं आज भी शायद वो पहले छः जो उनके तीन अशार हैं, आए कलमे मौला से आई तुम ज़मीन नौरानी, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं उन्हीं को दोबारा से डिस्क्राइब करूँगी. दोबारा से तो डिस्क्राइब नहीं करूँगी, लेकिन जो उसके नए मीनिंग्स हैं वो डिस्क्राइब करूँगी. जो उन तीन अशार के और मीनिंग्स हैं वो मैं डिस्क्राइब करूँगी थोड़ा सा आज. तो ये जो है, उसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मौलाना रूमी हैं उन्होंने किस चीज़ को इस्तेमाल किया. उन्होंने बांसुरी को इस्तेमाल किया है और उन्होंने वहाँ से अपनी मसनवी का स्टार्ट लिया था. और बांसुरी से उन्होंने क्यों स्टार्ट किया है कि बांसुरी में एक तो उसके दो मानी हैं. बांसुरी के एक तो ये मानी है कि जो उसमें आप फूंक मारते हैं और उससे जो वो म्यूज़िक बनता है, एक तो उसका यह मतलब है. और दूसरा उसका मतलब ये है कि जो इंसान है उसमें भी जो सांस आती है, तो वो जो सांस आती है वही हमें इंसान बनाता है और वही ज़िंदगी बनाता है. तो इसका जो एक और तीसरा जो इसका एक मानी जो मेरी समझ में आया है वो ये भी है कि मौलाना रूमी ने इस इस्तारे को क्यों चुना. इस इस्तारे को उन्होंने इसलिए चुना कि देखें, कुरान पाक में एक ये है कि ये बताया गया कि वो आपसे सवाल करेंगे कि रूह क्या है. रूह जो है, रूह क्या है, अब रूह क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं हुई. ये जवाब हमें अल्लाह ताला ने नहीं बताया. इसका जवाब अल्लाह ताला ने यही कहा कि बस आप ये कह दीजिए कि ये मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है. अब मौलाना रूमी ने इसको लिया है, ये जो एक रिडल कुरान में है कि व्हाट इज़ रूह. और उन्होंने कहा है कि बस रूह जो है वो यही है, हम यही कहते हैं रूह आया है, रूह है, रूह चला गया है. तो जो रूह है वो तो एक आलम अरवा जो है वो भी है, और आलम अरवा में हम रहते हैं और उसके बाद हमें ज़मीन पे भेजा जाता है. और हम ये यकीन रखते हैं एज़ मुस्लिम्स कि जब हम मर जाते हैं तो जिस्म मरता है, लेकिन रूह जो है वो दोबारा वापस आलम अरवा में चली जाती है. और ये जो सारी की सारी ज़िंदगी है जिसको शेक्सपियर ने कहा है कि इट इज़ लाइक अ ड्रीम, तो हमारे जो सूफियाँ हैं वो भी यही कहते हैं कि ये एक ड्रीम है. और जब हम मरते हैं तो तब हमारी आँख खुलती है तो हमें पता चलता है कि रियलिटी इज़ समथिंग एल्स. इसीलिए वो हमारे उसमें इतना ज़्यादा एम्फसाइज भी करते हैं उसमें कि मरने से पहले तौबा कर लो. लेकिन जब वो मर रहे हैं और आपके सामने वो रियलिटी अनवेल हो रही है, जब आप मर रहे होते हैं आपका सांस निकल रहा होता है, तब आपके सामने जो रियलिटी है ऑफ द वर्ल्ड वो अनवेल हो रही होती है. तो उस वक्त जो है उस वक्त की तौबा, उस वक्त का कलमा जो है वो अल्लाह ताला शायद कबूल नहीं करता. उससे पहले जो आपने पढ़ लें, उससे पहले जो आपने ज़िंदगी में अमल करने हैं उसके बाद, पढ़ने के बाद, तो वो ही कबूलियत होती है. तो देखिए, ये जो सांस है हमारा, इसको मौलाना रूमी ने भी चुना. लेकिन अपने सांस को कभी आपने महसूस किया है? अपने सांस को आप महसूस करें. वैसे तो हम करते हैं कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, अपनी आंखें झपक रही हूँ, अपना मुंह बोल रही हूँ, ज़बान हिला रही हूँ उसमें. लेकिन ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं, ये अन इंटेंशनल रिफ्लेक्सेस हैं. इसमें मुझे कितनी एफर्ट पड़ी है अल्लाह माफ़ करे, वो आपको तब तक मालूम नहीं होती जब तक, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी आँख थोड़ी सी ख़राब हो जाए या आपका गला ख़राब हो जाए, वो जो फिर जब आप एफर्ट से बोलते हैं तो, या आपके दांत में दर्द हो तो वो फिर जब आप एफर्ट से बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके देर आर दीज ऑर्गन्स विद इन मी, और ये चीज़ें इसमें
जो है ये कंपोनेंट्स जो है ये काम कर रहे हैं, और तब मैं बोलता हूँ या तब मैं खाना खा सकता हूँ या तब मैं आँख झपक सकता हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इन इन नेमतों से नवाजा है। तो आप अपने कभी सांस को महसूस करें, और सांस को महसूस करने का एक तो ये है कि जो हम सूफिया हैं वो तो जिक्र करते ही हैं, और जिक्र की असल बात यही है कि आप अपनी रूह को अपने सांस को से कनेक्शन करते हैं। सांस इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ एज वेल, जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो है जब कभी आप सर्दियों में हीटर के पास बैठे हों और आपको बहुत ज़्यादा गुनगुनी छा रही हो लेकिन अभी आप सोए ना हों, उस वक्त आपको अपनी सांस अगर आप सुने तो आपको अपनी सांस की आवाज़ आती है। और कभी या फिर आप बिल्कुल खामोश रूम में अकेले बैठे हुए, बिल्कुल खामोश रूम, उस वक्त जो आपके माइंड में ख्यालात आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो क्या चीज़ है, जो एक नया आइडिया, या उस वक्त जो आपके जहन में एक सोच आ रही होती है, या आपको लगता है आपके आसपास कोई है, इतनी ज़्यादा खामोशी होती है कि आपको लगता है कोई और भी है यहाँ पे मौजूद पर होता कोई नहीं है, तो वो क्या फीलिंग है। कभी इन फीलिंग्स के बारे में भी आप थोड़ा सा सोचें और थोड़ा सा आप गौर करें। तो हु इज़ दैट अदर विच इज़ प्रेजेंट, हु इज़ दैट अदर एंड वेयर आर दीज आइडियाज़ एंड थाट्स एंड इंट्यूशन, जिसको हम कह देते हैं अब इंट्यूशन है, वो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, एंड वॉट इज़ योर क्रिएटिविटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको उस बांसुरी की इस तारे में उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये अब डीपर मीनिंग्स हैं। तो अब ये जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब किया है, आ है कलमे मुँह ला स्याही चुन ज़मीन नूरानी, इसका जो मैंने आपको बताया था, इसके मैंने और उसका जो दूसरा शेर है, वांग अखी थी छल रात काली छलका अखी थी वांग हंजूदे पानी। तो ये जो है अब इसका ये जो रात का उन्होंने जिक्र किया और कलम का उन्होंने जिक्र किया है उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तो उनका फिज़िकल सिंपल सा जो फिज़िकल एक्ट है जो एक राइटर करता है, कोई भी क्रिएटिव राइटिंग वाला आर्टिस्ट जो है वो करता है कि अपना पेन उठाया, इंक में डिप किया और उससे राइटिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। और दूसरा मैंने आपको जो बताया था वो ये है कि इसका मतलब इंसान भी है कि हम भी ऐसे ही रोते हैं, इज़्नियाज़ी करते हैं और अल्लाह ताला के सजदे में जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो इससे मुराद इंसान भी है। लेकिन आप देखें, आ ए कलमे मुँह ला स्याही चुन ज़मीन नौरानी, ये जो है एक तो इसमें रात का ज़िक्र है, दूसरा कलम का ज़िक्र है, और अगर आप देखें तो कुरान में दो सूरतें भी हैं। मैंने ना ये इंग्लिश की इंग्लिश का कुरान लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज़ प्रिंटेड बाय पेंगुइन क्लासिक्स, एंड इसका ये जो इस कुरान की ये जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रांसलेशन। किसने की हुई है ये ट्रांसलेशन? ओके, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हिज नेम इज़ एन जे दाऊद, दाऊद DAWOOD से ये इन्होंने लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दाऊद ही है या दाऊद है। एनीवेज मुझे ये ट्रांसलेशन बहुत पसंद है। ये जब मैं यूपी आई तो तभी मैंने ये ख़रीदा था, दिस वॉज़ द फर्स्ट बुक, लेकिन मेरे पास अपना कुरान है जो हमारा अरबी में है और उर्दू ट्रांसलेशन, और उसमें थोड़ी थोड़ी सी उसमें उसकी तफसीर भी बयान की हुई है। लेकिन दिस इज़ द बुक विच आई लाइक, जिसको मैं ज़्यादा कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो यू नो मुझे एक और डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स नज़र आते हैं। इट इज़ सो ईजी कि जब आप किताब को खोलें तो उसमें लिखा हो द मोस्ट हाई, सूरत सूरत का नाम है, द ओवरवेलमिंग इवेंट, द डॉन, ये सूरतों के नाम हैं 30वें सिपारे में। तो जब मैं इनको खोलती हूँ तो वो एक और तरह का कनेक्शन मुझे फील होता है इन वर्ड्स के साथ। तो आई ऑल्सो लाइक टू ओपन एंड रिसाइट दीज कुरान का जो तर्जुमा है वो मैं इस तरह से भी पढ़ना पसंद करती हूँ। तो ये जो आज मैं आपको ये बताने लगी थी कि ये जो मैं इनका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का बता रही थी, देखिए एक बात तो ये है कि मैं चूँकि कुरान मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ जैसे आलम दीन पढ़ते हैं, ठीक है, जो एक क्या कहना चाहिए, हाँ आलिम ही हैं, जैसे जैसे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब हैं या डॉक्टर इसरार अहमद थे, जिन लोगों ने प्रॉपर एक यू नो उम्र लगाई है कुरान की आयत समझने में, उसका मजमून समझने में, उसकी तफसीर समझने में, उसको अहादीस की रोशनी में पढ़ना, ये मक्का में उतरा, ये मदीना में उतरा, उस वक्त क्या था, उनके करीब कौन से सहाबा कराम थे,
उन्होंने क्या उसके रेफरेंसेस और क्या कॉन्टेक्स्ट बयान किए हैं, और उसके बाद जो बाकी के हमारे उनके बाद जो आलिम आए उन्होंने अपनी जो तफसीर लिखी है उनमें उन्होंने क्या बयान किया है। तो वो उस तरह से जो पढ़ा हुआ होना है कुरान पाक को, वो एक बिल्कुल अलहदा से चीज़ है। तो मैं चूँकि उस किस्म की आलिम नहीं हूँ तो मैं उस तरह की डिस्क्रिप्शंस में नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरी आप सबसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जिन सूरज का मैं इसमें ज़िक्र कर रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ख़ुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और यही यही सूफ़ी पोइट्री की खूबसूरती है, यही रूमी की खूबसूरती है, और यही मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की खूबसूरती है कि इन्होंने जो मटेरियल लिया है वो बेशक आप नज़में जब आप पढ़ते हैं वो आपको उर्दू में या पंजाबी में नज़र आती हैं, लेकिन जो उसके मज़ामीन हैं, जो उनके मौजू हैं, वो उन्होंने थीम्स जो हैं अपनी पोइम्स के वो कुरान से इस्तारे लिए हैं। यू नो दिस वर्ल्ड विच दे आर बिल्डिंग अराउंड अस, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड एंड आई एम इन ऑव ऑफ इट। कि जिस तरह से कोई एक वर्ल्ड को एक नया मीनिंग देते हैं, एक नई यू नो सिंबलिज्म आपके इर्द गिर्द है, और जिस तरह से वो इंसान को देखें, कुरान क्या है, कुरान इज़ द कॉन्वर्सेशन ऑफ गॉड विद ह्यूमन बींग्स, कुरान इज़ द ओनली बुक फ्रॉम विच यू कैन नो गॉड, कि वो अल्लाह ताला ने हमसे कलाम किया, वो हमसे बात कर रहे हैं उसमें। तो ये जो एक पोइट्री है, ये सूफियाना पोइट्री है, दिस इज़ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ कुरान, और जो इंसान की वर्ल्ड है उसके इर्द गिर्द है उसकी कंस्ट्रक्शन या उसकी डीकंस्ट्रक्शन है कि what is world around us, how we are connected with the material world and how we are connected with the spiritual world and where we are in position in this world and in position with God. तो ये जो सारा कुछ है सिर्फ यही सूफियाना पोइट्री है, इसलिए that is why I am taking so much time in describing this. और आज का तो ये अब मैं इसको lesson ही कहूँगी, although I am not a teacher, लेकिन ये है कि ये जो है ये इतना खूबसूरत बयान है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने कलम क्यों इस्तेमाल किया, कलम का इस्तारा क्यों इस्तेमाल किया। अब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने जो इस्तेमाल किया है, आ है कलमे मुँह ला स्याही चुम ज़मीन नूरानी, पहले जो लाइन है या जो पहला मिसरा है वो कलम के बारे में है, और स्याही रात की स्याही के बारे में है, और ज़मीन नूरानी अल्फाज देखें, ये अल्फाज बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मुँह इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कलम, ठीक है, कलमे मुँह स्याही चुम ज़मीन नूरानी, आप सिर्फ इन वर्ड्स को गौर करें। फिर दूसरा जो इनका सतर है वो क्या है, रात काली छलका अखी थी, आंखें काली रात आंसू, ये जो लफ्ज़ हैं इनको आप देखें। और फिर आपको मैं सुनाती हूँ कि आप सूरत इकरा को देखें, एक तो सूरह इकरा और सूरह जो कदर है ये दोनों इकट्ठी हैं, पहले सूरह इकरा आती है और उसके बाद सूरह कदर आती है कुरान पाक में। तो जो ये है सूरह इकरा, इसकी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़ अपने नाम के, अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक की, इंसान की तख्लीक की खून के एक लोटड़े से या खून के एक कतरे से, रिसाइट योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन हु बाय द पेन टॉट मैन वॉट ही डिड नॉट नो, रिसाइट योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटिफुल वन हु बाय द पेन टॉट मैन वॉट ही डिड नॉट नो। हमें पता है कि ये जो वही है, ये रसूल करीम पे गारे हिरा में उतरी थी और वो खौफज़दा हो गए थे या वो घबरा गए थे, तो उनको जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है उन्होंने अपने सीने से लगाया था, और वो इल्म नबी करीम के सीने में ट्रांसफ़र हुआ था, मुंतकिल हुआ था। व्हाट इज़ वही, और ये जो दिल से दिल को इल्म को ट्रांसफ़र करने का जो बात है, जो रवायत है, वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। और सबसे पहली बात अल्लाह ताला ने क्या कही, पढ़ अपने नाम के रब से, और अगर हम जाहिल रह जाएँ और हम ना पढ़ें, ना पढ़ सकें, तो बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले यही फरमाया है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को,
recite your Lord is the most bountiful one who by the pen taught man what he did not know. किससे बताया? पेन से, कलम से. तो अल्लाह ताला इस सूरत में किसका जिक्र कर रहे हैं? कलम का. और जो दूसरी जो सूरत है वो सूरह कदर है. इसके बाद सूरह कदर में किस चीज़ का जिक्र है? We reveal this on the night of Qadr. Would that you knew what the night of Qadr is like. Better is the night of Qadr than 1,000 months. On that night, the angels and the spirit, by their Lord's leave, come down with each decree. That night is peace till break of dawn. तो इसमें किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? इसमें लैलतुल कद्र का जिक्र हो रहा है. लेकिन जो रात होती है, रात इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीसफुल प्लेस एंड द टाइम टू क्रिएट, टू थिंक, टू इमेजिन थिंग्स. और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने भी ये कदर की रात लैलतुल कद्र है ये. और ये लैलतुल कद्र क्यों है? ये पावर की नाइट है. पावर की नाइट ये क्यों है? ये 1,000 महीनों से बेहतर है. और ये रात जो है, इस रात फरिश्ते उतरते हैं और रूह उतरती है तेरे रब के नाम से. एंड द स्पिरिट बाय देयर लॉर्ड्स लीव कम डाउन विद ईच डिग्री. दैट नाइट इज पीस टिल ब्रेक ऑफ डॉन. तो ये जो रात है, उस रात में क्या होता है? उस रात में कुरान हमें पता है कि वो नाजिल किया गया था. और जो सूरह कलम है एक, उसमें मैंने उसकी जो मैंने जब वो पढ़ा तो उसमें जो सूरह कलम है उसका जो उसकी जो बात है वो ये है कि वो पूरी सूरत जो है वो अल्लाह ताला ने कलम के नाम से लिखी है. और उस कलम में जो उसकी बात जो मैंने जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब तख्लीक की तो सबसे पहले उसकी जब मैंने तफसीर पढ़ी तो सबसे पहले कलम जो है उसको बनाया. अब हमारे उसमें हमारे जो सूफ़ी पोइट्री है उसमें हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में या जो हमारे गांव के जो लोग हैं, हम लोगों की एक साइकी में की जाती है कि वो कहते हैं पहले दिन की लिखाई ये थी, अव्वल रोज़ दिन लिखाई ये ऐसी. अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा हुआ था. जब कोई चीज़ हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, बुरी हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, कोई बंदा मर गया, खुदा ना खास्ता किसी की डिवोर्स हो गई है, किसी का बच्चा दुनिया से चला गया, तो वो कहते हैं बस कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं. ये अव्वल रोज़ की लिखाई थी, ये मेरे मुकद्दर की तकदीर थी, ये मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही लिखा था. और वो जब कोई फौत हो जाए तो कहते हैं कि बस ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी, यही लिखा हुआ था मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में. तो ये जो एक लिखाई है, और आपको और भी शोरा में ये मिलता है, सूफिया के कलाम में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, कलम का इस्तारा और लिखाई का इस्तारा और मुकद्दर का इस्तारा और शुक्र और सब्र का इस्तारा. तो ये देखें, ये जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, इन्होंने अपने पहले शेर में इन दोनों सूरतों का ज़िक्र किया है. अब ये हमारा काम है, आपका काम है, आप इन दोनों सूरतों को पढ़ें और इन दोनों सूरतों से इसका मतलब भी ड्राइव करें और इसको समझें, इसकी तफसीरों इनकी तफसीर को पढ़ें. और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसके बाद जाके सूरह कलम को भी खोल के पढ़ेंगे. और आई होप कि समडे इंशाल्लाह ताला आई विल ऑल्सो सिट डाउन एंड आई विल राइट दीज थिंग्स. इसके इनकी इन मीनिंग्स को जैसे अब ये मुझे मिल रहे हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग. आई वॉन्ट कि ये दूसरे लोगों को भी मिले एंड आई होप कि लोग ये वीडियो भी देखें और ये मीनिंग्स समझें. लेकिन इसके अलावा भी आई थिंक समटाइम्स लेटर इन लाइफ अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर इसको लिखूंगी भी, क्योंकि ये इतने खूबसूरत इस्तारे हैं जो सूफ़ी पोइट्री है, हाउ दैट कनेक्ट्स विद कुरान एक्चुअली. तो अब ये है कि इनका काम तो ये है कि इन्होंने आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाना है, आगे से आपने खुद पढ़ना है और आपने खुद समझना है, उनके मीनिंग्स ढूंढने हैं और उनके मीनिंग्स मुझ पर भी खोलने और मुझे भी बताने और मुझे भी सिखाने और मुझे भी समझाने हैं.
तो जो सूफी टीचर होता है उसकी यही बात होती है कि वो उसने सिर्फ आपकी आपको लेके जाना है और डायरेक्शन की तरफ इशारा कर देना है और आपने आगे से उसको खुद समझना है। तो अब आप इनके इन दो अशार को अगर आप पढ़ें, सूरह कदर की और सूरह कलम, सूरह कदर और सूरह जो इकरा है, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, अगर आप इसको आप ख़ुद भी पढ़ें, इनका तर्जुमा भी पढ़ें और आप इसमें यूट्यूब के ऊपर जाके इनके मीनिंग्स को, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने या डॉक्टर मलिक मुर्तज़ा बहुत अच्छे उनके भी हैं, मुझे डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बहुत अच्छे लगते हैं डिस्क्रिप्शंस, क्योंकि उनमें सूफीज़म भी है और कादरी सिलसिला तो है ही है, लेकिन वो सूफीज़म को वो बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, रूम को भी उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो इस सारे चीज़ों को भी यूनाइट करते हैं। तो मेरे लिए उनका जो है डिस्क्रिप्शंस वो बहुत अच्छी हैं। आप भी अपना कोई टीचर ढूंढें और आप ज़रूर इन सूरा की खुद पढ़ें, तफसीर में पढ़ लें, कुरान में पढ़ लें या यूट्यूब पे भी इनको सुनें, तो आप ये ज़रूर देखेंगे इनके क्या मीनिंग्स हैं और फिर ये देखेंगे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की इस पोएम में उन्होंने कुरान को, इसको कहते हैं टेक्सचुअल रेफरेंस, उन्होंने कैसे किया है। तो दैट मेक्स दीज पॉइंट्स इवन मोर ब्यूटीफुल एंड मोर डीपर। आ कलमे मूल आ से आही चुन ज़मीन नौरानी, रात काली छलका आती थी वांग हंजूदे पानी, पे सजदे तक रगड़ ज़मीन ते कर कर इज नियाजा, महर पोवे मत हाल तेरे ते ओना गरीब नवाजा, सिफत मुबारक पीर मेरे दी बाहर हद बयानो, पर तू भी कुछ चख शरीनी जावे पुख जबानो। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये अब आप ये देखेंगे ये सारे की सारी जो एक सूफी जर्नी है कि पहले उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, फिका पढ़ा, उसको प्रॉपरली पढ़ा, उसका मतलब सीखे, सारा कुछ वो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अब किसी सूफ़ी को, किसी अच्छे टीचर को पकड़ना है। तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा सूफ़ी टीचर क्या है। अच्छा सूफ़ी टीचर वही है जो इन चीज़ों के मानी आपके सामने खोल देता है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे ये थोड़ी बहुत आज समझ आ रही है तो ये मेरे टीचर्स की वजह से समझ आ रही है। और वो जो मेरे टीचर्स हैं, अल्लाह ताला एक तो चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उनको दराजात बुलंद फरमाए उनकी रहमत और बरकत से। और जो मेरे दूसरे टीचर हैं वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं, और देखें आप उनसे जो भी मांगेंगे वो आपको मिलता है। बात यह है कि आप किस टीचर के पास क्या इंटेंशन लेके जा रहे हैं और आप उनसे क्या मांग रहे हैं। और मेरे ख्याल में किसी भी टीचर से दुनिया मांगना जो है वो अपने साथ ज्यादती है। ठीक है, हमारे ऊपर मुश्किल टाइम भी आते हैं, अच्छे टाइम भी आते हैं, बुरे टाइम भी आते हैं, वो मुश्किलात भी अब अपने टीचर्स को ज़रूर बयान करें, लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श साहब से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम उनसे इल्म मांगें, इल्म के मानी मांगें और उनसे इल्म सीखें। और उनकी वजह से जो हमें ये एक बरकत और आसानी और रहमत जो होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है सूफ़ी टीचर की। सूफ़ी टीचर इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग विच यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मतलब यहाँ से तो आपके ऊपर ये इम्पोर्टेंस ज़ाहिर होगी। और उसके बाद उन्होंने जब इस्तखारा किया और उनको पता चला कि इन पीर साहब के पास तुम जाओ और वहाँ पे उनके पास बैत करो, उन्होंने कहा कि 2 साल इंतज़ार करो, और फिर उन्होंने इंतज़ार किया और फिर उनके सीने से जो पोइट्री रवां हुई, तो अब आपको उस पोइट्री की फजीलत समझ में आई होगी कि वो पोइट्री आम पोइट्री नहीं है कि उन्होंने कलम और दवात को देखा है और लिख दी है। वो कलम और दवात की वो बात है कि वो उन्होंने कुरान से इस्तआरा लेके उसको किस खूबसूरती से अपनी पोइट्री में जुड़ा है। एक एक लफ्ज़, एक एक शेर जो है वो एक नगीने की तरह है अपनी जगह पे। और इसी तरह अगर आप मैं मियाँ जो अल्लामा इकबाल हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं उनके ऊपर भी वीडियो देख रही थी लास्ट वीक, तो एक मुझे वीडियो मिली उनके, जिसमें उनके जो सर्वेंट थे उन्होंने, वो कह रहे थे कि जब अल्लामा इकबाल क्रिएट करते थे अपनी पोइट्री तो वो भी कहा करते थे अपने सर्वेंट को कि ओके आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड राइट समथिंग, तो मेरे लिए कुरान लेके आओ। कुरान का नुस्खा भी वो अपने पास मंगाते थे और उसको भी वो रिसाइट करते थे और उसके बाद बैठ के वो पोइट्री लिखते थे, डिस्पाइट उसके इस बात के कि मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली रूमी, आई विल डू सम लेक्चर सम डे ऑन दैट एज वेल, नॉट ओनली रूमी ही वॉज इक्वली इंस्पायर्ड बाई मियाँ मोहम्मद बख्श साहब। एंड ये दो जो जो दो चीज़ें हैं, देखें एक एक ये है कि इसको मैं अपने साथ भी बहुत स्ट्रांगली रिलेट करती हूँ कि मेरे लिए तो रूमी साहब हमेशा से इम्पॉर्टेंट थे,
और मियां मोहम्मद बख्श साहब भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन जब मैंने इन दोनों पोइट्स को पढ़ना शुरू किया और इन दोनों का कनेक्शन मुझे समझ में आया, तो उससे जो मेरा एक अपना कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ टूवर्ड्स देयर पोइट्री, कि रूमी साहब की पोइट्री को मैंने कैसे अप्रोच करना है और मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की पोइट्री को कैसे अप्रोच करना है, और उसके बाद इन दोनों का कनेक्शन कुरान से क्या है, तो वो ये जो पूरा का पूरा कनेक्शन है ये समझ में आना और इसकी रोशनी में उनकी पोइट्री को पढ़ना, मेरे ख्याल में इकबाल वॉज डूइंग दैट एज़ वेल। और उसके बाद उन्होंने भी इन्हीं का यही नुस्खा आजमाया और उन्होंने उसी के मुताबिक ये अपनी पोइट्री जो है उसको क्रिएट किया है। तो ये इन तीनों पोइट्स में मैं समझती हूँ ये बात, इन तीनों पोइट्स में देर इज़ अ कनेक्टिविटी, देर इज़ कंटिन्यूटी एंड देयर सब्जेक्ट्स आर द सेम, बट दे हैव ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन देयर ओन वे एंड दे हैव ट्राई टू कंटेम्पलेट एंड फाइंड द मीनिंग्स वट एवर देयर द अदर पर्सन हैज़ रिटन, दे हैव ट्राई टू टेक इट फर्दर। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि एक जो उस्ताद है, जो पीर है, जिसको हम पीर कहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल की दुनिया में ज़ाहरी तौर पे जैसे एक हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, बहरहाल मैं उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि देर आर डब्बा पीर्स एज वेल एनी वेज, तो लेकिन ये जो एक एक सही उस्ताद का आपको मिलना है वो आपके लिए कौन कौन से रूहानी इल्म जो है वो आपके सामने खोल के अफशा कर देता है उनके सीक्रेट्स। तो उसके बाद अब मैं चलती हूँ कि ये या मोहम्मद बख्श साहब ने अपने टीचर की, ओके देर इज़ नो टाइम लेफ्ट एक्चुअली, आई थिंक आई विल एंड इट हेयर, एंड फिर आगे से अब जो अगली दफ़ा मैं पढ़ूंगी तो उसमें मैं ये इनका ये पढ़ लूँगी कि उन्होंने फिर अपने टीचर के जो फजीलत बयान की है वो क्यों इतनी ज़्यादा बयान की है और वो क्या है। आई होप टू मी दिस वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, ये कनेक्शन फाइंड आउट करना, एंड आई होप यू हैव गॉट समथिंग एज वेल, यू हैव लर्न समथिंग एज वेल, और एंड इट विल टेक यू फर्दर इन टू लर्निंग नोइंग अंडरस्टैंडिंग द सूफी पोइट्री। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अंटिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़।